Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc nursing student. तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के जो आपका सीनेट होता है उसके पेपर को लेके, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके. आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, 9 जून संडे को आपका एग्ज़ाम है. और जो फॉर्म है वो भी जल्दी आने वाले हैं, एक दो वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे. उसके बाद आपका फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीनेट के पेपर पैटर्न को लेके. वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पर अपलोड किया हुआ है, बट हम लोग ऊपर ऊपर से जान लेते हैं. तो आपका जो सीनेट होता है उसमें 6 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड. जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड ये 40-40 मार्क्स के आते हैं, और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों 20-20 मार्क्स के आते हैं, इक्वल टू 40 मार्क्स का आता है. तो आपका टोटल जो पेपर है वो 200 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको एवरेज 135 या 140 मार्क्स लाने होते हैं सिलेक्शन के लिए, जिससे कि आपको मतलब कॉलेज मिल जाए. अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो अगर आप एग्ज़ाम देके प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो भी उसमें आपको काफ़ी छूट मिल जाती है, कम फीस लगती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. बाकी अभी एक नई बुक आई है यूपी सीनेट नाम से, ये जो बुक आपको दिख रही है ये यूपी सीनेट नाम से बुक आई है, अच्छी बुक है, फर्स्ट एडिशन है इसका और ये ABVMU की तरफ से ही कंडक्ट की गई है. इस बुक में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे और उनके आंसर की भी मिलेगी, और पीछे आपको थोड़े प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इसमें आपको, 10 प्रैक्टिस सेट. तो आप इससे प्रिपरेशन करके आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं. सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी थी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टूल नहीं है जिससे मैं क्वेश्चंस टाइप कर सकूँ या फिर लिख सकूँ. तो अभी हम लोग इसी से प्रैक्टिस करेंगे. आप लोग बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी और वीडियोस अपलोड करने की. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें एलर्जिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट. तो एलर्जिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट कौन होता है? ऐसे डॉक्टर जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, स्कीमिया हो गया, फूड एलर्जीज हो गई, इंसेक्ट एलर्जीज हो गई. तो ये सारी एलर्जीज़ को जो ट्रीट करते हैं उन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एलर्जिस्ट या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट है कि कार्डियो नाम से ही समझ में आ रहा है, हार्ट. कार्डियो शब्द का मतलब होता है हार्ट. कार्डियोलॉजिस्ट कौन हुआ? जो डॉक्टर कार्डियो का इलाज करता है, यानी कि जो हार्ट का इलाज करता है. तो पढ़ते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. यू माइट सी देम फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्ट बीट. मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो हार्ट बीट को ट्रीट करते हैं, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कोलन एंड रेक्टल सर्जन. तो ऐसे डॉक्टर्स जो हमारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड, हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, कोलन से रिलेटेड, या फिर कोलन कैंसर हो गया, हेमरॉइड्स हो गया, इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज़ हो गए, इन सब से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं उन डॉक्टर्स को हम बोलते हैं रेक्टल या फिर कोलन सर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट. तो ये डॉक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे डॉक्टर जो क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि जो ICU में वर्क करते हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केसेस को देखते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ऑर्गन फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, या फिर किडनी फेलियर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स है, उन सारी चीज़ों को जो देखते हैं उन डॉक्टर्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मा का मतलब होता है स्किन. ऐसे डॉक्टर्स जो हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हेयर, नेल्स और कोई स्कार है, एक्ने है, स्किन एलर्जीज है, या फिर हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज कंडीशन होती हैं, उन सारी चीज़ों को जो डॉक्टर्स देखते हैं उनको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट.
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. तो दीज आर एक्सपर्ट्स ऑन हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म. दे कैन ट्रीट कंडीशंस लाइक डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी एंड कैल्शियम बोन डिसऑर्डर्स. एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो हमारी अगर कोई एंडोक्राइन से रिलेटेड डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम से जो डील करते हैं उन डॉक्टर्स को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट. तो दीज आर द डॉक्टर्स. दीज डॉक्टर्स मेक लाइफ डेथ डिसीजन फॉर सिक और इंजर्ड पीपल यूजली इन एन इमरजेंसी रूम. देयर जॉब इज़ टू सेव लाइफ टू अवॉइड लो और लोअर द चांसेज ऑफ डिसेबिलिटी. इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे डेथ डिसीजंस को लेते हैं, इंजर्ड बहुत ही ज़्यादा सिक और इंजर्ड जो पीपल होते हैं उनको ट्रीट करते हैं. और ये जो ज़्यादा केसेस होते हैं, ज़्यादा जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उन सारे केसेस को हैंडल करते हैं. ऐसे डॉक्टर्स को हम बोलते हैं इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट. नेक्स्ट है फैमिली फिजिशियन. फैमिली फिजिशियन कौन होते हैं? तो ये तो मोस्टली सब लोग को पता ही होगा. दे आर द डॉक्टर्स हु केयर फॉर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड एल्डरली. दे रूटीन चेकअप, स्क्रीन टेस्ट, गिव यू फ्लू इम्यूनाइजेशन शॉट्स. ऐसे डॉक्टर जो हमारी फैमिली की पूरी केयर करते हैं, जो हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है जो हमें बताता है कब हमें इम्यूनाइजेशन कराना है, कैसा खाना खाना है, कब टेस्ट कराने हैं, ये सारी चीज़ों को जो ध्यान रखता है उसको हम बोलते हैं फैमिली फिजिशियन. नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट. तो ये डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन या फिर हमारे जीआईटी से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है उसमें हमारी हेल्प करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं. तो दे आर द स्पेशलिस्ट इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग स्टमक, बॉल, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर. यू माइट सी देम फॉर एब्डोमिनल पेन, अल्सर, डायरिया, जॉइंटिस, कैंसर इन योर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. दे ऑल्सो डू कोलोनोस्कोपी एंड टेस्ट फॉर कोलन कैंसर. मतलब ये जो डॉक्टर होते हैं वो हमारी जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ट्रीट करते हैं. और जैसे कि हमें कोई ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कोलन में हमारी कोई दिक्कत है तो कोलोनोस्कोपी और कोलन कैंसर इन सब चीज़ों के लिए भी ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा जियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट. जियाट्रिक मतलब कौन होता है? जियाट्रिक से मतलब होता है ओल्ड पीपल. दीज डॉक्टर्स केयर्स फॉर इल्डरली. दे कैन ट्रीट पीपल इन देयर होम्स, डॉक्टर्स ऑफिस, नर्सिंग होम, असिस्टेंट लिविंग सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स. जियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे इल्डरली पीपल्स होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनको देखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट. नेक्स्ट है हमारा हीमेटोलॉजिस्ट. हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर किसको हम बोलते हैं? दीज आर स्पेशलिस्ट इन डिजीज फॉर ब्लड, स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड्स लाइक सिकल सेल डिसीज, एनीमिया, हीमोफीलिया एंड ल्यूकेमिया. तो हीमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हमारे ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई हमें डिसीज़ है उससे हमें ट्रीट करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को हम बोलते हैं हीमेटोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है नेफ्रोनोलॉजिस्ट. तो नेफ्रोन का मतलब क्या होता है? नेफ्रोन एक किडनी का पार्ट होता है, किडनी की बेसिक यूनिट बोल सकते हैं नेफ्रोन को. तो दे ट्रीट किडनी डिजीज़ एज वेल एज हाई ब्लड प्रेशर, फ्लूड एंड मिनरल इम्बैलेंस लाइकली टू किडनी डिजीज. मतलब हमारी जो किडनी डिजीज में को ट्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रेनोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स. दे ट्रीट स्ट्रोक्स, पेन, स्पाइनल ट्यूमर्स, एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिसीज एंड अल्जाइमर्स डिसीज. तो न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हमारे नर्व्स में कोई डैमेज है, हमें कोई डिसीज़ है जैसे पार्किंसंस डिसीज़ होगी, अल्जाइमर डिसीज़ होगी, तो ये सारी डिसीजेस को जो देखते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट. तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं मेनली फीमेल्स डॉक्टर्स होते हैं, मतलब जो फीमेल की प्रेगनेंसी रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई अगर फीमेल को दिक्कत है या फिर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके कोई प्रॉब्लम है उसको जो ट्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर्स होते हैं? तो जो डॉक्टर्स कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन जो केयर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट. मतलब जो ऐसे डॉक्टर जो हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, कैंसर से ट्रीट करते हैं, रेडियोलॉजी या फिर जो भी हमारी कीमोथेरेपी है वो सारे ट्रीटमेंट्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट.
तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हमारी आई स्पेशलिस्ट होते हैं, या हमें हमारी आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, हमारे ग्लासेस के बारे में हमें बताते हैं कौन सा चश्मा हम ठीक से दिखाई दे सकता है, या फिर हमें कोई भी डिसीज़ है जैसे कि ग्लूकोमा हो गया, इन सारी चीज़ों को ट्रीट करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को हम बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोपैथ्स। क्या है ऑस्टियोपैथ? डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन आर फुल्ली लाइसेंस्ड मेडिकल डॉक्टर जस्ट एस एमडीज। देयर ट्रेनिंग स्ट्रेसेस अ होल बॉडी अप्रोच। ऑस्टियोपैथ्स यूज द लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो बॉडीज नेचुरल एबिलिटी टू हील इट्सेल्फ। तो ऑस्टियोपैथ्स वो डॉक्टर होते हैं जो एकदम स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको हमारी पूरी बॉडी की अप्रोच होती है, वो एकदम एमडी डॉक्टर जैसे होते हैं और वो सारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाई करते हैं, हालांकि बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी होती है सेल्फ हील करने की उसको भी, बट ये नेचुरली मतलब जो पूरी होल बॉडी होती है उसको ट्रीट करने का काम करते हैं ऑस्टियोपैथ्स। नेक्स्ट है हमारा ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। तो ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट होते हैं हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट, मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो हमें ईयर्स, नोज, थ्रोट, साइनस, हेडेक, हेड, नेक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो उससे हमें ट्रीट करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को हम बोलते हैं ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, या फिर हम इनको ईएनटी स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे डॉक्टर जो कि लैब डॉक्टर्स होते हैं, या फिर हम इनको लैब टेक्नीशियंस भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी टिश्यूज़ को एग्जामाइन करते हैं, ब्लड को एग्जामाइन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, और हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हमारी बॉडी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सफ़र तो नहीं कर रही है। नेक्स्ट है हमारा पीडियाट्रिशियंस। पीडियाट्रिशियंस वो डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशली छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो इसमें आता है चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू यंग एडल्टहुड। सम पीडियाट्रिशियंस स्पेशलाइज इन प्रीटीन्स एंड टीन्स चाइल्ड अब्यूज और चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल इशू। ये हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको देखते हैं, छोटे बच्चों को कोई दिक्कत है उस चीज़ से हमें रूबरू कराते हैं, बताते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो फिर कमेंट करना एंड बोलना कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं या नहीं। और प्लीज़ सेम डाउट मत पूछना, पहले वीडियोस देखो आप लोग, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ वही सेम डाउट पूछने का कोई मतलब नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।